जयपुर ग्रामीण लोकसभा से उम्मीदवार भाजपा के केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यवर्धन राठौड़ अपना नामांकन दाखिल करने से पहले आज सुबह सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्म पत्नी भी मौजूद रही। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी और पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद मांगा है और शुभ काम है देश की सेवा करना, जनता की सेवा करना और भगवान भी इस काम को पूरा करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं। ये कहना था भाजपा के उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जयपुर ग्रामीण से भाजपा के उम्मीदवार हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस से इनके सामने उम्मीदवार घोषित की हुई है कृष्णा पूनिया, यानी कि दो खिलाड़ी मैदान में आमने सामने हैं और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जयपुर ग्रामीण से भाजपा के उम्मीदवार और साथ ही केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नामांकन दाखिल करने से पूर्व गणेश मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन कर मन्नत मांगी और इस दौरान उनके साथ उनकी धर्म पत्नी भी मौजूद रही। जी, गणेश जी का आशीर्वाद लेकर शुभ काम शुरू करा है। शुभ काम है देश की सेवा करना, जनता की सेवा करना। यही आशीर्वाद मांगा कि कोई भी चुनौती हो, कितना भी बड़ा काम हो, भगवान ये शक्ति दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, आशीर्वाद दे कि उसको पूरा कर पाए, ताकि हमारा देश, पूरा समाज, हर व्यक्ति आगे बढ़ पाए। जो ताकत दी है भगवान ने, सोच की ताकत दी है, काम करने की जो क्षमता दी है, वो देश के काम आ सके, हमारे प्रदेश के काम आ सके और जयपुर ग्रामीण के हर रहने वाले के काम आ सके। तो जैसे कि आपने देखा कि राज्यवर्धन राठौड़ ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि वो देश की सेवा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी कि वो इस काम को कर सके। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता पिंटू सिंह नरुका हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। पिंटू, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पूर्व वो भगवान के दर्शन करने पहुंचे और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज? देखिए ज्योति, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी है राज्यवर्धन राठौड़ और मौजूदा सांसद भी हैं। आज वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इससे पहले वो जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर है राजधानी जयपुर में, वहां जाकर उन्होंने दर्शन किए। उनकी पत्नी गायत्री, मेजर गायत्री राठौड़ उनके साथ रही और करीब 11:30 बजे शुभ मुहूर्त के साथ वो वहां पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और उस वक्त उनके साथ जो भाजपा कार्यकर्ता है और भाजपा के जो तमाम जयपुर ग्रामीण के जो विधायक और भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं वो मौजूद रहेंगे और योग गुरु बाबा रामदेव वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद वो चित्रकूट वैशाली में उनकी एक आम सभा होगी, नामांकन की सभा होगी और उस सभा को संबोधित करेंगे। राज्यवर्धन राठौड़ ग्रामीण से सांसद भी है और केंद्र में वर्तमान मोदी सरकार में मंत्री हैं और कल जो उनकी प्रतिद्वंदी थी जो उनके सामने चुनाव लड़ रही है कांग्रेस से, कृष्णा पूनिया, उन्होंने नामांकन दाखिल किया था और ये बहुत रोचक और रोमांचक चुनाव इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक ओलंपियन के सामने ओलंपियन, दोनों ओलंपियन यहाँ पर चुनावी मैदान में है और राज्यवर्धन राठौड़ लगातार सक्रिय रहे हैं ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में उन सबको लेकर। और आज उनका जो ये नामांकन है काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि आज वो जो वैशाली नगर है, हालांकि शहरी इलाका है लेकिन ये जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो शहरी वोटर्स है उन सबको साधने के लिए, उनको संबोधित करने के लिए जो चित्रकूट स्टेडियम है वैशाली नगर में, वहां पर एक सभा को संबोधित करेंगे। जी ज्योति जी पिंटो, जिस तरह से आपने बताया कि कई विधायक और कई मंत्री भी उनके साथ इस समय मौजूद रहेंगे, लेकिन क्या उस सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हमें नजर आएंगी जनसभा को संबोधित करते हुए, जिस तरह से कल रामचरण बोहरा के नामांकन के दौरान वो नजर आई थी? देखिए, ऐसी कोई जानकारी नहीं है वसुंधरा राजे की कि वसुंधरा राजे वहां पर नामांकन में मौजूद रहेगी, लेकिन हाँ, योग गुरु बाबा रामदेव, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र है वो यादव बेल्ट माना जाता है और यादवों को साधने के लिए बाबा रामदेव जो है योग गुरु वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और क्योंकि नामांकन का दौर है, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे तो हर जगह अलग अलग जगह उनको जिम्मेदारी दी जाती है, तो इन वसुंधरा राजे आज अन्य जिलों में रहेगी,
तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं रहेगी, लेकिन जब कल यहाँ पर जयपुर शहर का नामांकन दाखिल हुआ था तब उन्होंने इनको माला पहराकर विजय श्री का आशीर्वाद दिया था कि आप जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण दोनों सीटों पर जीत कराए। लेकिन आज जो नामांकन सभा होगी वहां पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि राज्यवर्धन राठौर भी एक खिलाड़ी रहे हैं, तो काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा कि राज्यवर्धन शहरी वोटर्स को साधने के लिए, क्योंकि वैशाली नगर और जो जयपुर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में काफी हद तक शहरी वोटर्स आते हैं, तो इस नामांकन सभा के साथ वो शहरी वोटर्स को साधने का काम करेंगे। जी जी पिंटू, जिस तरह से आपने बताया कि बाबा रामदेव भी उनके साथ आज नजर आएंगे, ये अपने आप में एक बहुत ही रोचक तथ्य है, क्योंकि रामदेव बहुत लोकप्रिय है पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में। मान सकते हैं कि भाजपा बहुत ही समझदारी के साथ हर एक कदम फूंक फूंक के रख रही है और कहीं भी प्रचार प्रसार में कमी नहीं छोड़ना चाहती। और जी पिंटू, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि नामांकन से पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गणेश मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की और भगवान से मन्नत मांगी। उसके बाद वो नामांकन दाखिल करेंगे और उस दौरान उनके साथ लोकप्रिय बाबा रामदेव भी नजर आएंगे, कई विधायक और कई नेता भी उनके साथ नजर आएंगे और एक उनकी वैशाली में जनसभा भी होगी।